आज हम बनाएंगे मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी लगता है इस तरीके से बनाने में, और बच्चे से लेकर बड़ों को बहुत ही पसंद आता है, और ये शाम की छोटी छोटी भूखों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, बाउल में पानी रखेंगे, पानी को उबाल आने तक छोड़ देंगे। तो उसमें एक चम्मच नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी डाल सकते हैं जिससे पास्ता चिपके ना। तो यहाँ पर दो कप पास्ता डाल देंगे हम। तो मैं यहाँ पर 2 कप पास्ता डाल दे रही हूँ, और पास्ता को करछुली से चलाएंगे जिससे चिपक जाएगा अगर नहीं चलाएंगे तो। यहाँ पर पास्ते को चलाते रहना चाहिए, अगर नहीं चलाएंगे तो चिपक जाएगा पास्ता और एक गट्टा गट्टा सा हो जाता है नहीं चलाते हैं तो। यहाँ पर लगभग पास्ता बनके रेडी हो गया है, और इसको 7 से 8 मिनट तक पकाना होता है। तो हम यहाँ पर चाकू की सहायता से देख लेंगे पक गया तो यहाँ लगभग पक गया है पास्ता। तो एक चलनी में छान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं छान ले रही हूँ अच्छे से पास्ता को, और इसमें एक चम्मच ऑयल मिला देंगे। ऑयल मिलाने से ना पास्ता और अच्छे से एक एक हो जाता है खिला खिला। तो यहाँ पर ऑयल को डाल के हाथों से मिला देना अच्छे से, जिससे पास्ते में ऑयल लग जाए अच्छे से। फिर उसके बाद हम एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हो जो आपको पसंद है खाते हैं वो। उसके बाद हम 1 चम्मच बटर डालेंगे, बटर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बटर डालने के बाद तो ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर हम डालेंगे अदरक। तो मैं अदरक ले लिया मैं थोड़ा सा 1/4 टुकड़ा, ये अदरक है और सॉरी वो लहसुन था। तो अदरक लहसुन को डाल के अच्छे से चलाएंगे उसको। फिर डालेंगे हम हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर चॉप कर ली है, तीखी वाली मिर्ची है। तो 2 मिर्ची ली थी, ज़्यादा मिर्ची नहीं ली है, और धीमी आँच पर अच्छे से चलाएंगे उसको। तो भुनने देंगे 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन और मिर्ची को। तो यहाँ पर अच्छे से चला ले रहे हैं, तो यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं लगभग अच्छे से। इसके बाद हम डालेंगे 1 से 1.5 प्याज चॉप की हुई। तो यहाँ पर 1 से 1.5 प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी, उसके बाद उसको चलाना है डालने के बाद। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक प्याज को भी भूनेंगे, क्योंकि प्याज का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से प्याज को भून ले रही हूँ। तो यहाँ पर लगभग हमारी प्याज भून के रेडी है, देख लीजिए थोड़ी सी गल गई है, तो सॉटी हो चुकी है। उसके बाद 1 से 2 बड़ा टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पास्ता में। और हमारे यहाँ पे बहुत महंगे चल रहे हैं टमाटर, 160 रुपये किलो, आप बताना आपके यहाँ पे कितना चल रहा है टमाटर का महंगाई। उसके बाद टमाटर को अच्छे से भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा जिससे अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, नमक से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद एक कश्मीरी मिर्च ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च लिया। आप तीखा लाल खाते हो तो थोड़ा डालना, इतना डालोगे तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। कश्मीरी मिर्च से कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी आता है, और ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। उसके बाद टमाटर को अच्छे से चलाएंगे 2 मिनट के लिए, चलाना है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा 2 चम्मच पानी डाल देंगे, पानी डालने से टेस्ट अच्छा, मतलब ग्रेवी बढ़िया हो जाती है, टेस्ट भी ठीक रहता है टमाटर का। तो यहाँ पर पानी डाल के उसको ढक्कन को ढक देंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गई है लगभग। उसके बाद हम टमाटर को 1 मिनट तक और चलाना है जिससे अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं चला रही हूँ। चलाने के बाद हम डालेंगे इसमें अपनी मनपसंद सब्जी, आपको जो भी पसंद सब्जियाँ हो आप ले सकते हो। मैंने तो यहाँ पे 1 कैप्सिकम ली है मीडियम साइज़ की, उसके बाद 1 कैरेट ली है, आप कौन सी भी सब्ज़ी ले सकते हो आपकी मनपसंद है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से डाल के उनको भूनूंगी, 2 से 3 मिनट तक भूनना है सब्ज़ियाँ भी, क्योंकि कच्ची हैं अभी तो पक जाएंगी तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो आप अच्छे से चला लेना है उनको, और मीडियम फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, नहीं तो ये मसाला नीचे लग जाएगा। तो ढक के पका लेंगे 2 मिनट के लिए। तो अब मैं ढक दे रही हूँ, तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर, और देखेंगे सारी सब्जी अभी एकदम सॉटी हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पर ये देख लीजिए अच्छे से मसाला बन के रेडी है, अभी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे जो किसान के सब आता है अपना। उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच सादा सॉस, 2-2 चम्मच ले लेंगे दोनों का, और शेजवान सॉस 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने वो टमाटो सॉस ले लिया। उसके बाद हम ले रहे हैं रेड चिली सॉस 2 चम्मच, उसके बाद लेंगे 1 चम्मच हम शेजवान सॉस। शेजवान सॉस से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते तो ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हो, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर सॉस को मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे 2 मिनट के लिए। तो आप अच्छे से भून ले रहे हैं सॉस को भी मसाले के साथ, बढ़िया। तो हम डालेंगे इसमें पास्ता, पास्ता भी हमारा बढ़िया बना हुआ है, देख लीजिए एकदम चिपका नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर पास्ते को अच्छे से मिलाएंगे, और उसमें नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑरेगानो ले सकते हो आप, अगर तीखा पसंद करते हो तो चिली फ्लेक्स ले सकते हो, मैंने तो थोड़ा सा पाउडर लिया उसमें डालने के लिए। उसके बाद अच्छे से मिलाएंगे उसको, ये देख लीजिए बढ़िया मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है,
और अच्छे से भूनना है पास्ता को, जिससे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर बन के रेडी है, ये देख लीजिए एकदम शानदार पास्ता बन के, और ये बहुत ही पसंद आता है। इस तरीके से बनाओगे आप, इसमें जो चीज़ आता है वो भी डाल सकते हो, और चीज़ डालने के बाद इस टाइम भी डालेंगे और 2 से 3 मिनट पका लेंगे, जिससे चीज़ ही पास्ता बन जाएगा। पर मैंने यहाँ पे चीज़ नहीं डाला। उसके बाद हम धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और गार्डनिंग में बहुत ही सुंदर दिखता है देखने में। तो लगभग पास्ता हमारा बन के रेडी है, आप लोग भी ऐसे ट्राई करना। तो रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। हम मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।